सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबंद करने पर सहमत हो गया जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। विधायक की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने जब याचिका को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया तो प्रधान न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड ने कहा, मैंने मामले को सूचीबद्ध करने की पहले ही अनुमति दे दी है। हाँ, मुख्तार अंसारी के वह बेटे हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने विधायक की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद 10 अप्रैल को फातिहा या विशेष प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में 30 मार्च को सुपुर्द खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब जेल में बंद था और उसके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है, मगर उसके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने जेल में अपने भाई को धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी के विसरा की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक उसे जहर दिए जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, हमें मुख्तार अंसारी के विसरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में की गई जांच की रिपोर्ट मिल गई है। इसमें पुष्टि की गई है कि विसरा में जहर का कोई संकेत नहीं मिला है। इसे बांदा के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व वाले जांच समिति को दिया गया है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने मंगलवार को सामने आई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है।